अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमदान मुबारक। अचानक से रमदान मुबारक, जी हाँ, इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। ऐसा ही होता है यहाँ पर। कभी हम 11 बजे जो है वो ईद का चांद नज़र आ जाता है और पता चलता है कि नहीं जी, कल रोज़ा नहीं रखना। लोग तरावियाँ पढ़ के आ चुके होते हैं और अगले दिन ईद मना रहे होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि लोग सोने लेट चुके होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं सोने लेट चुकी थी और फिर अचानक से जो है वो मुझे पता चला कि नहीं, कल तो रोज़ा है, उठो सहरी की तैयारी करो। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ यही वाला सीन हुआ होगा और सब चिल मार के लेट गए होंगे कि जी कल तो रोज़ा नहीं है, कल कर लेंगे बाकी के काम। क्या रहा है आपके साथ ज़रूर बताइएगा। मेरा रोज़ा कैसा गुजर रहा है, हमने किस तरह सहरी की, किस तरह से इफ्तार की तैयारी की। पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी मैं कुछ रोज़े जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को बहुत पसंद आई थी वो सीरीज़, तो उसको हम एक दफ़ा फिर से रिवाइव करते हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। है पाकिस्तान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी और हमने घबराना तो बिल्कुल नहीं है किसी भी सिचुएशन में। तो चलिए चल के सहरी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से फेनी, क्योंकि फेनी हमारे यहाँ खाई जाती है ठंडी ठंडी, तो इसको फ्रिज में रखना होगा ताकि ये सहरी तक जो है वो अच्छी ठंडी ठंडी सी हो जाए, फूल भी जाए साथ में। तो जल्दी जल्दी सारे काम करने। बस दही निकाल के रखा है सहरी के लिए। एक बॉल में दही खाना चाहिए सहरी में, चाहे आप एक एक चमचा ही क्यों ना खाएं। इससे होता है कि आपको सारे दिन एसिडिटी की शिकायत नहीं होती, हलक तर रहता है और प्यास भी नहीं लगती है। शुक्र है कि शामी कबाब पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो अब उनको मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे सहरी तक इंशाल्लाह ताला, और हम इनको फ्राई कर लेंगे। साथ में जो है वो अंडे फ्राई हो जाएंगे। बस इससे ज़्यादा अहतमाम नहीं होता हमारे यहाँ सहरी में, बहुत ज़्यादा तामझाम वाली सहरी नहीं होती है। हमारा छोटा सा क्यूट सा सदका बॉक्स है, जिसमें हम जो है वो सदका अमाउंट डेली के डेली डालेंगे अब से इंशाल्लाह ताला, और पूरे रमज़ान में हम इसको भरेंगे। तो ये भी एक टास्क है हमारा। बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो जागेंगे सहरी तक। सहरी का टाइम हो गया, 4:10 हो रहे हैं, हम उठ चुके हैं और अब हम जाके देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है नीचे। चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। टीवी खोल के बैठे हुए हैं, टैबलेट्स में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है। टैक्सी लोगों ने कहा था कि हम लोग जागेंगे रात को और उसके बाद फिर सो रहेंगे। तलहा हमजा उठ जाइए। आप भी उठ गए, आपको भी सहरी करनी है। कबाब हो रहे हैं फ्राई और यहाँ हो जाएगा अंडा फ्राई। फ्राइंग का काम जारी है सारी है। अचानक सहरी मुबारक। सहरी तैयार है, टेबल पे लगा दी है और अब खाने वालों का वेट हो रहा है। हमजा आ चुके हैं। हमजा आंखें खोल लो। चाय से राजी और तलहा पीते हैं, तो जस्ट 2 कप्स चाय इज इनफ। सहरी करेंगे और सहरी करके हम सोएंगे। अच्छा जी, तो सीन यूँ है कि आज हुई है सारे दिन बारिश और साथ में जो है वो लाइट नहीं थी और गैस भी नहीं थी। तो अब मैं निकल के जा रही हूँ कुछ तैयारी करने के लिए अफ्तार की। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, लेट्स सी जो मिल जाएगा वो ले लेते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी तो थी नहीं, क्योंकि ये तो सरप्राइज़ रोज़ा है आज का। तो चलिए मेरे साथ। हर जगह पानी पानी हुआ हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। आलू कैसे दे रहे हो? आलू 50 हैं। आलू निकाल देना मुझे 2 किलो। सामान में ले आई हूँ थोड़ा बहुत जो मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो भाई ख़त्म हो गई थी, स्पेशली फ्रूट्स ठेलों पे से, क्योंकि आज बारिश की वजह से सामान बहुत सारा आया नहीं था और जो थोड़े बहुत लगे हुए थे स्टॉल्स तो लोग जल्दी जल्दी आके ले गए थे। आई वॉज लेट। बना रही हूँ शरबत सबके लिए, अफ्तार के लिए। तलहा जो है वो अब कुरान शरीफ़ पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे वो सिपारा पढ़ते हैं अफ्तार से पहले बैठ के। और बाकी हमज़ा क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए, हमज़ा कुछ रातों में मगन है। उनके पकौड़े बन रहे हैं जल्दी जल्दी, 6:45 हो चुके हैं, टाइम कम है।
टेबल सेट करने की ड्यूटी हमजा की होती है। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों की होती है, सबसे छोटे वाले बच्चे की। क्या आपके यहाँ भी यही सूरत हाल है? तारी में रह गए हैं 10 मिनट और उससे पहले हो गया है हमारा दस्तरखान रेडी, हो गए हैं फारिग अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लगा हुआ है बर्तनों का अंबार, जो कि एक ऑफिशियल रमज़ान स्पेशलिटी जिसको आप कहेंगे होती है। तो अब ये बर्तन धोऊंगी मैं। इशा से फारिग होने के बाद जो मैं काम कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि मैंने अपने फेस पे लगाया है मास्क, जिसको जिसका नाम है सईद कनी का ग्रीन क्ले मास्क। मैं अक्सर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करती रहती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर कौन सा मास्क है, तो देख लीजिए जी ये वाला मास्क है। बर्तन धुल चुके हैं, लेकिन बर्तन धुलने के साथ एक बैड सीन हुआ है और वो ये हुआ है, देखें जी इस प्लेट के साथ क्या हुआ है बर्तन धुलते में। अब सीन ये है कि बर्तन धुलते में जो प्लेट टूटती है, तो अगर वो घर की मम्मा के हाथ से टूटती है तो फिर कोई शोर की आवाज़ नहीं आती है, और अगर किसी और के हाथ से टूटती है तो बहुत हंगामा होता है। तो अब यही हुआ है, कोई सीन मेरे हाथ से टूटी है। जी हाँ, मुझे बहुत दिली अफसोस है, मेरा बहुत फेवरेट हैबिट का जो है वो हाई टी सेट था, और उसकी एक प्लेट से मैं महरूम हो गई हूँ। खैर, हर चीज़ फानी है, तो अब ये जाएगी जो है वो डस्टबिन में, क्योंकि कहते हैं कि मकरूह हो जाता है बर्तन। आपके यहाँ क्या कहते हैं? क्या वाकई में आप लोग भी जो है वो इसको ऐसे ही समझते हैं और नहीं यूज़ करते, या किसी और काम में, किसी और पर्पज़ में जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं इस तरह की प्लेट्स को? मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस तरह से हमारा रोज़ा जो है वो आज का पूरा गुजरा है। दोबारा से अब सहरी की नेक्स्ट डे की तैयारी होगी, फिर वही रूटीन, फिर वही सारी चीज़ें। कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा व्लॉग? जुड़े रहे आप मेरे साथ, आपने सहरी और अफ्तार के कुछ मनाजिर देखे, बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपकी राय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।